परमेश्वर ने कर ले याद, धन्यवाद करे मात पिता को और तुझे धन्यवाद, धन्यवाद करे मात पिता को और तुझे धन्यवाद। हारी दिया भीड़ पड़ी प्रकाश ठेकेदार जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। एक रागनी की फरमाइश भी करी है, मेरी अर्ज सुनो यमराज, वो भी करवाएंगे, लेकिन अभी पहले इस रागनी को पूरा कर देते। और आदरणीय बाल कृष्ण सौदागर साहब, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद मान सम्मान हमारे टीम के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारों, आदरणीय रोडमल कुमावत जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद मान सम्मान हमारी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही राजा मोर ध्वज रानी विद्याधरनी आरे को चला रहे हैं, चलता चलता आरा जब धीर ध्वज को आधा काट करके बीच में पहुंचता है, कृष्ण कन्हैया ने अपनी माया फिरा दी, हारे आरे को अटका दिया। सरदारों, राजा अपनी तरफ खींच रहा है, रानी अपनी तरफ खींच रही है, आरा नहीं चल रहा है, दोनों कांप रहे हैं। किस तरह का माहौल था सरदारों? रानी हिम्मत हारती है कि महाराज मेरे तो हाथ भी हार गए, आप आरा पहना करवा करके नहीं लाए, पुराना लाए हो। किस तरह से रानी कह रही थी, किस तरह से राजा कह रहा था, महारानी आरा तो मैं नया लाया था, लेकिन ये कर्मों का खेल है। आइए किस तरह तीसरी कली में क्या वाला होता है। हिरे आरा तो
आशीष बेटा तो बेहोश हो गया ज्यादा लग रही होगी चीज आरे की धार पहनी थी पर आगे जाने जगदीश लेते हैं उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं रे मालिक इतनी बड़ी परीक्षा देने के लिए भी तैयार हो गए अब और भी परीक्षा ले रहे हो ये तो मैं भी जानता हूं राजा मोरध्वज सोच रहा था कि आरा तो मैं बिल्कुल पहना लाया था इससे तो बहुत बड़े जीव जंतु को भी काटा जा सकता था मेरा तो नाजुक सा बेटा है लेकिन मालिक इतनी बड़ी परीक्षा मत ले कृष्ण कन्हैया देख रहे थे सारी बातों को सरदारों तुरंत तारे की तरफ हाथ जैसे ही किया आरा अपने आप चलने लगा सरदारों राजा रानी की आंख खुली आरा अपने आप चल रहा है हाथ तो पकड़ रखे हैं दोनों ने लेकिन आरा अपने आप चलता है किस तरह से धीर ध्वज के दो टूक होते हैं किस तरह से राजा मूर्ध्वज कहते हैं महाराज जिमाइए अपने शेर को अंतिम और चौथी कली में के लिख दिया साधु देख लिए किस ढाले पड़ा अपना सिर जिमाला रहा पाचिरा हुआ लाले पड़ा अपना सिर जिमाला पाचिरा हुआ लाले पड़ा हो गोरी शंकर का दा